फाइनल गाइस, मैंने आज और एक मूवी का ट्रेलर देखा जिसकी पैन इंडिया में रिलीज हो रहा है एंड उस मूवी का नाम है हर हर महादेव। एक मतलब कि मराठी इंडस्ट्री का मूवी है जिसको पैन इंडिया में रिलीज किया जा रहा है एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद इस ट्रेलर मेरे को काफ़ी पसंद आया क्योंकि ट्रेलर में हर चीज़ मेरे को मतलब कि एक पुराना जमाने की जैसे स्टोरी हो रहा है, हिस्टोरिकल मूवी हो रहा है तो मेरे को काफ़ी पसंद है हिस्टोरिकल मूवी एंड इस मूवी का ट्रेलर को देखने के बाद मेरे को काफ़ी पसंद आया। एंड ट्रेलर में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा गलतियाँ हैं जिसके मतलब कि इसका जो VFX है थोड़ा कमी रहेगा VFX में, फिर से भी आदिपुरुष से बेटर लग रहा है। एंड इस मूवी का जैसे रिलीज हो रहा है अक्षय कुमार की मूवी राम सेतु के साथ क्लेश होने वाला है 25 अक्टूबर को, मतलब कि ऑडियंस तो ज़्यादा देखेंगे राम सेतु को और इस मूवी को तो मतलब कि काफ़ी ऑडियंस अभी नहीं दिखेंगे क्योंकि इस मूवी का कंटेंट को पहले देखेंगे। अगर इस मूवी का सही कंटेंट रहेगा, हिस्टोरिकल मूवी है तो चल जाएगा क्योंकि हिस्टोरिकल के ऊपर अभी ज़्यादा ऑडियंस को हिस्टोरिकल मूवी देखना पसंद है तो इस मूवी को काफ़ी पसंद करें। अगर मूवी सही रहेगा तो मतलब कि राम सेतु को छोड़कर इस मूवी को काफ़ी ऑडियंस देखेंगे, जैसे कि KGF के साथ हुआ था पहले, जब KGF आया था शाहरुख खान के साथ जीरो के साथ क्लेश हुआ था और वहाँ पर क्या हुआ, जीरो को सब लोग देखते थे बट KGF को कोई नहीं, फास्ट में इतना फैसिलिटी एंड इनकम कलेक्शन भी इतना नहीं हुआ बट जब KGF को बहुत लोग देख चुके हैं एंड ऑडियंस की रिव्यू की वजह से वो मूवी कहाँ तक 200-250 करोड़ में पहुँच गया। वैसे ही हर हर महादेव के मराठी इंडस्ट्री का पैन इंडिया मूवी है तो इस मूवी को अगर ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यू मिलेगा एंड मूवी में अगर कहीं पर भी मूवी बोर नहीं होने देगा एंड इस मूवी का सब कुछ सही रहा था तो इस मूवी को भी ऑडियंस काफ़ी ऑडियंस देखेंगे। तो जैसे कि मराठी इंडस्ट्री का मूवी, इस ट्रेलर में मेरे को काफ़ी मतलब कि पुराना जमाना का जैसे स्टोरी हो रहा है वही स्टोरी है, मतलब कि वो राजा महाराजा शिवाजी की जैसे स्टोरी हो रहा है तो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। एक बार जाके इस मूवी को देखना क्योंकि मराठी इंडस्ट्री का ये पैन इंडिया मूवी है, मतलब हर एक इंडस्ट्री से अभी पैन इंडिया मूवी आ रहा है तो ट्रेलर मेरे को काफ़ी पसंद है। इस ट्रेलर को मैंने 5 स्टार से 4.5 दूंगा एंड VFX के लिए थोड़ा हाफ में काट देता हूँ एंड 5 स्टार से 4.5 स्टार में दूंगा। तो बस मेरे को काफ़ी ट्रेलर पसंद आया तो पहले मैंने 25 तारीख को इस मूवी रिलीज हो रहा है, मैं 26 तारीख को हर हर महादेव देखने के लिए जाऊंगा एंड देखने के बाद आपको रिव्यू दे दूंगा। तो कैसे आप मेरे को कमेंट कर बताना कि आप लोग हर हर महादेव को देखना पसंद करोगे या नहीं, मराठी इंडस्ट्री का ये पैन इंडिया मूवी है। तो गाइस आज के लिए छोटी सी वीडियो हर हर महादेव का ट्रेलर का रिव्यू था, रिव्यू नहीं मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप लोग बहुत वीडियो देखते हो बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस एक लाइक एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।